Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 5th, Unit 10, Malu, Bhalu. Today we start Unit 10, Malu, Bhalu. Let's start with the poem, Malu, Bhalu. First, I will read the poem, then I will explain you, okay? High up in an icy lair, lived a little polar bear. Snow White, Snow Bright was her mane. Malu Bhalu was her name. Very soon our Malu Bhalu learned the things her parents knew. Fish to catch, big and small. Malu was a clever girl. Malu said to her mother one day, Ma, I'm going far out to play. I want to see things that lie the beyond the big blue sky. A little patient child said, Mum, in the summer when next it comes. Summer? Patient? What a test. Malu simply could not rest. First thing first, Malu's mum clasped Malu tight within her arms. Then she said, her voice was firm, Now, my dear, you will have to swim. But Ma, said Malu, what do I know? How will I? I have never swum before. Don't worry, dear, said Malu's mother. Do as I do, that's all, she advised her. She had no choice, no other way. Malu had to swim that day. Tired, she gripped her mother's hand into the water, splashed to land. Brave mother's brave young daughter, doubt and fear she left behind her. Malu swam with all her might. It didn't matter wrong or right. But swimming came to so naturally. Her mother knew this and all could see. Fearless was Malu, this she knew. Not just brave, but special too. Translated from Hindi by Sandhya Rao. Except experts from Malu Bhalu by Kamla Vaseem. ये जो poem है, वो translate की गई है. Sandhya Rao ने translate की है. बराबर मालु भालू कमला भसीन ने एक पोयम लिखी है ओरिजिनली रिटन बाय कमला भसीन और ट्रांसलेटेड बाय संध्या राव ओके लेट्स सी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे ओके सो स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा हाई अप इन एन आइसी लेयर कहीं बहुत ऊंचाई पर जहाँ पर आइस होती है वहाँ आइस का एक लेयर है लिव्ड अ लिटिल पोलार बेयर वहाँ एक पोलार बेयर रहता है स्नो वाइट यानी स्नो दैट मीन्स के आइस बराबर वाइट जो वाइट कलर होता है स्नो का बराबर एकदम वाइट कलर जो होता है स्नो वाइट वैसे कलर का है स्नो ब्राइट वॉज अर मेन मेन दैट मीन्स के जो एनिमल्स होते हैं ना उनके जो गर्दन होती है उसके ऊपर जो हेयर होते हैं दैट्स कोल्ड मेन ओके सो स्नो ब्राइट वॉज अर मेन उसकी जो मेन है वो भी काफ़ी ब्राइट है स्नो ब्राइट है मालु बालू वॉज हर नेम और वो छोटा सा जो पोलार बेयर है उसका नाम है मालु भालू एंड दैट्स शी इज़ अ गर्ल और वो मालु भालू है वो एक लड़की है फीमेल बेबी पोलार बेयर है वेरी सून अवर मालु भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू बहुत जल्दी मालु भालू अपने पेरेंट्स से बहुत अपने पेरेंट उसके पेरेंट्स जो चीज़ें जानते हैं वो चीज़ें वो सीखने वाली है बराबर क्योंकि मोस्ट एनिमल्स जो होते हैं उनको उनके जो भी पेरेंट्स एनिमल या पेरेंट्स बर्ड्स एनिमल जो भी पेरेंट्स बर्ड होते हैं या पेरेंट एनिमल होते हैं वो अपने छोटे से जो लिटिल वंस होते हैं उनको शिकार करना उड़ना तैरना ये सब चीज़ें सिखाते हैं ओके तो अब ये मालू भालू जो है उसको भी उसके पेरेंट्स सब सिखाएंगे फ़िश टू कैच क्या क्या सिखाएंगे कि फ़िश किस तरह से कैच करनी है पानी में से पोलार बेयर आइसी लैंड में हमको मिलते हैं ओके तो वहाँ पर उन लोग उनका जो फूड है वो फ़िश है तो वो फ़िश कैच करते हैं वहाँ से तो छोटी और बड़ी हर तरह की फ़िश वो कैच करना सिखाएंगे उसके पेरेंट्स एंड मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल और मालू कैसी गर्ल है बहुत ही क्लेवर गर्ल है यानी एक बार उसको कुछ ही सिखाई तो वो जल्दी ही सीख जाती है
Malu said to her mother one day, ek din Malu ne apni maa se bula, Ma, I'm going out, far out to play. Main bahut dur khelne jana chahti hu. I want to see the things that lie there beyond the big blue sky. मैं वो चीज़ों को देखना चाहती हूँ जो इतने बड़े ब्लू आसमान के नीचे है. वो सब चीज़ों को मैं देखना चाहती हूँ, एक्सप्लोर करना चाहती हूँ. बराबर, वो मालू भालू जो है वो शॉर्ट टाइप ऑफ एडवेंचर गर्ल है और थोड़ी एंथुजियास्टिक है. उसको देखना है कि ये सब चीज़ें क्या है और दूर दूर तक उसे खेलने जाना है. अ लिटल पेशेंट चाइल्ड सेड मम. माँ ने क्या बोला है? थोड़ा सा पेशेंट रखो बच्चा. इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स, समर पेशेंट व्हाट इट इज, मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट. वो क्या बोलती है मालू? कि पेशेंट रखूँ, सब्र करूँ. उसकी माँ ने क्या बोला कि सब्र करो, थोड़ा सा सब्र कर लो. अब नेक्स्ट जब समर आएगा, जब जाना, तो वो क्या बोलती है? समर यानी गर्मी, गर्मी का टाइम. पेशेंस बराबर, समर पेशन यानी कि गर्मी, सब्र करूं. व्हाट अ टेस्ट, क्या टेस्ट है. मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट. और मालू रेस्ट नहीं कर पाती यानी कि रह नहीं पाती, क्योंकि उसको तो वो एक ब्लू आसमान के नीचे क्या है वो देखने के लिए जाना है. ओके, और अब इसके बाद की जो पोयम है वो नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे. अल्लाह हाफिज़.